कोटा में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा कार्यकर्ताओं ने जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय के बाहर प्रोफेसर गिरीश कुमार का पुतला दहन किया और रोष जताया। छात्र संघ अध्यक्ष दीप्ति मेवाड़ा ने बताया कि गिरीश परमार ने छात्राओं के साथ जो दरंगी की है उसके खिलाफ उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। साथ ही राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में जितने भी प्रोफेसर डीन और पूर्व में ऐसा कोई मामला दर्ज हुआ है तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए। साथ ही राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। छात्र संघ अध्यक्ष शिवानी दुबे ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो नारी के सम्मान में समस्त कन्या महाविद्यालय की छात्राएं उग्र आंदोलन करेगी। इस दौरान छात्र संघ उपाध्यक्ष अंजलि मालव, संयुक्त सचिव प्रियंका मीणा, दीक्षा शर्मा, कार्तिका पंचोली, अंजलि शर्मा, कशिश शर्मा, योगिता कुशवाहा, अमीशा वर्मा, आरती कश्यप, प्रेरणा जोदियाना, वैशाली महावर, हर्षिता प्रियंका जांगीर, संतोष धाकड़, संजना आदि छात्राएं उपस्थित थी। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।